जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे PKS साधना चैनल में। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा बेहतरीन फिर से साधना लेकर आ गए हैं, एक ऐसा बेहतरीन अमल लेकर आ गए हैं इसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। आप लोग अपने फैमिली के साथ फिर खुशियां नहीं बना पा रहे हैं। आप पहले अपने फैमिली के साथ इतना वक्त बिताते थे, लेकिन आज कर्ज के चलते, पैसे के चलते, नौकरी के चलते टेंशन में बैठ के सोचते रहते हैं। पैसा आपको भी चाहिए, आपको भी अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनने के लिए काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके अच्छे भी मार्ग के लिए परी को बनाया गया है, जिन्नातों को बनाया गया है, हर साधना को यहाँ पे लिखा गया है, ग्रंथों में लिखा गया है। आज हम उसी में से एक फिर से आपको अमल बताने वाले हैं, एक मुस्लिम अमल, यानी कि एक मतलब कि मुस्लिम धर्म का अमल, यानी कि हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कमल। इसे हिंदू भाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी अमल कर सकता है और इस अमल को बच्चे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस अमल को आप शादीशुदा, बगैर शादीशुदा भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, लड़का लड़की भी कर सकती है, ठीक है ना। स्त्री या पुरुष जो भी हैं, औरतें, सबको ये अमल इसको कर सकते हैं। अमल नाकाबी के भी मतलब नापाकी के भी हालत में कर सकते हैं, और इस अमल को आप अपना जो भी अच्छा हालत में उसमें भी कर सकते हैं। अगर फटे पुराने कपड़े हैं उसको भी पहन के कर सकते हैं, यानी कि इस अमल को कहीं भी किसी भी हालत में कर सकते हैं। इस परी का जो नाम है ये दौलत परी है, ठीक है, और ये एक इत्र से आएगी। और मैं बता देता हूँ इसका अमल और विधि, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी इसमें हर चीज़ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको एक अत्र खरीद के लाना है। अत्र आपको दो लाना है, या तो गुलाब का इत्र या तो हीना का इत्र, ठीक है। ये दोनों इत्र आपको स्प्रे वाला खरीद के लाना है, ये कोई रुई से बोरने वाला नहीं खरीद के लाना है, स्प्रे वाला, ठीक है। आप ऐसा बंदोबस्त करा दे या आप ऑर्डर भी दे दे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, ऐसा तो ऑनलाइन मिल ही जाता है, लेकिन अगर मतलब कि कैश टू कैश मिल जाए तो ठीक है, लेकिन स्प्रे वाला ही चाहिए। और अच्छा किस्म का ओरिजिनल आपको लेके आना है। जैसे ही आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस इत्र को लेकर आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको कोई देखे ना, ठीक है। वहाँ पे ले जाने के बाद आपको बैठ जाना है, आपको याद रख खड़ा नहीं होना है, बैठ जाना है। बैठने के बाद पहले आपको एक मंत्र बोलना है, मंत्र बहुत ही अच्छा है, मंत्र आपको बोलना है 51 मरतबा सिर्फ। ये मंत्र क्या है सुन लीजिए, तारिन तारिन तारिन, बस यही एक छोटा सा लफ्ज है, क्योंकि मुसलमान धर्म में यही एक छोटा सा दुआ है, ठीक है ना। तो इसी को आपको 51 बार बोल के उस अत्र पे फूंक मारना है, खड़े हो जाना है पश्चिम की ओर, याद रहे पश्चिम की ओर और कहीं भी नहीं, पश्चिम की ओर मुंह करके आपको इस स्प्रे को मारना है 21 बार, गिन के, जैसे कि एक बार मार दिए, दो बार मार दिए, इस तरह धीरे धीरे 21 बार आराम आराम से मारते जाए। जैसे ही मारेंगे उस स्प्रे के अंदर से ही एक परी उड़ती हुई नजर आएगी, उसके अंदर से एक हाजिरी होगी परी का, बहुत ही अच्छी होगी। पहले छोटी दिखेगी, तब हल्का हल्का सा बड़ी होगी, लेकिन उतना भी बड़ी नहीं, ठीक है ना, वह हल्का आपसे ऊपर ही रहेगी। तो आपसे पूछेगी कि क्यों बुलाया, ये अमल क्यों किया, ये अमल किसने बताया। ये पहले अमल पूछेगी कि मेरा अमल किसने बताया। आप एक ही चीज़ बोले कि ये अमल मुझे मिला है, मेरे गुरु जी ने दिया है, ठीक है, बस इतना ही आपको बोलना है। बोलने के बाद आपको एक वचन उससे लेना है कि मैं तुमको हर दफ़ इस इत्र से नहीं बुला सकता, तुम मुझे एक बुलाने का तरीका दो। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये परी इसी फेर में रहती है कि बेर बेर स्प्रे मारेंगे तो आएगी, ठीक है ना। तो वैसे नहीं करना है, आपको उससे पहले ही बोल देना है कि आप मुझे बुलाने का तरीका बताइए, मैं डायरेक्ट आपको बुलाऊंगा, जो काम बोलूंगा आपको करना है, बेझिझक करना है, बस यहीं आपको बोलना है, बस यहीं आपका अमल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर अपना घर पे आ जाइए, नहा धुला लीजिए, आराम से सो जाइए, जो भी आपका इतराली काम है आप उसको करिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको इस अमल को एक दिन में संपन्न करना है। अगर किसी के अंदर रूहानी पावर या कोई भी चीज़ नहीं है, तो पहले ही बता देता हूँ ये बिना रूहानी पावर का ये अमल कामयाब नहीं होगा। अगर आपके अंदर रूहानी पावर नहीं है तो इसका ट्रांसफ़र ले। यदि अगर आपके अंदर रूहानी पावर नहीं भी है तो मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर मुसलमान भाई होंगे तो वो पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी हो गया, ठीक है ना, सूरह मुजम्मिल शरीफ हो गया, ये सब पढ़ के अपना रूहानी ताकत बढ़ाएंगे। हिंदू भाई ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे, ठीक है ना। तो सारा चीज़ बता दिया, और यही आज का बेहतरीन आपके लिए अमल था, साधना था। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जी नमस्कार।
जय माता दी।